Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of November 2019. तो 22 नवंबर 2019 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जिनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या जिनको पॉलिटी डिकोडेड की पीडीएफ चाहिए, दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मंडाना पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद. आपको बताना है कि मंडाना पेंटिंग इनमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है. ऑप्शन सर ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल या डी उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर टू इज हक्कानी नेटवर्क इज एन इंसर्जेंट ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. हक्कानी नेटवर्क इनमें से किस कंट्री में इंसर्जेंट ग्रुप है. ऑप्शन आर ए अफगानिस्तान, बी लेबनान, सी इराक या डी सीरिया. क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ICAO से एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स हैं. आपको बताना कौन से सही है. पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. क्वेश्चन स्टेटमेंट टू बोलता है इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड. आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन से हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो मैं सिंस लास्ट में वीडियोस के एंड में बताना भूल जाता हूँ आंसर, तो आई विल बी टेलिंग यू द आंसर जस्ट नाउ. मैं जस्ट बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले का आप अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट कर लीजिए और मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ. द फर्स्ट आंसर मंडाना पेंटिंग आंसर विल बी राजस्थान. आंसर क्या है, राजस्थान है. एक्चुअली राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ये सील मतलब फ्लोर पेंटिंग के रूप में आता है. ओके, उसमें काऊ डंग का यूज़ किया जाता है और मंडाना पेंटिंग्स MP राजस्थान, राजस्थान बेसिकली इसमें आंसर होगा. हक्कानी नेटवर्क अगर इंसर्जेंट ग्रुप किस कंट्री का है पूछता था, अफगानिस्तान, ए विल बी द आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है ये. अब क्वेश्चन नंबर थ्री हमने पूछा था कि ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, बिल्कुल सही है, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एयर स्टैंडर्ड्स और एयर रूल्स को फॉर्म करती है. सेकंड कह रहा है कि इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनीवा स्विट्जरलैंड, ये गलत है. क्यूबेक कनाडा में इसका मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट, वहां पे क्यूबेक कनाडा, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर विल बी ए, ओनली ए. तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ओनली ए. तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर टुडे. आज हम देख लेते हैं कौन सी चीज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉलिसिटर जनरल, जो कि GS2 का टॉपिक रहेगा. पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अगेन GS2 जो पॉलिसीज वाले सेगमेंट में रहेगा. देन एवियन बॉटुलिज्म की बात करेंगे. GS3 साइंस एंड एनवायरमेंट का टॉपिक है. FRP की बात करेंगे, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, तो ये सब्सिडी वाले टॉपिक GS3 में इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, उसके अंदर रहेगा. कार्टोसैट एंड इजरो की बात करेंगे, GS3 में साइंस एंड टेक. एडिटोरियल्स में हम डिसइन्वेस्टमेंट रीजंस की बात करेंगे, GS3 का ही टॉपिक है. GS2 में भी आ सकता है कि क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट अपनाता है, लेकिन GS3 का पर्टिकुलरली पूछेगा. GS3 में जो गवर्नमेंट मेथडोलॉजीज है या फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसके अंदर ये आता है. बेगरी लॉ, द ड्रैकोनियन लॉ की बात करते हैं, तो ये सोशल यानी कि GS1 वाले एस्पेक्ट में आता है. GS1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बेगरी लॉ, और GS2 में भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का ही लॉ था पहले बना हुआ है ना, तो उसका भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सॉरी हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया है बेगरी लॉ के रिगार्डिंग, तो आप GS2 में भी रिलेट कर सकते हैं. थर्ड जो एडिटोरियल है वो सब्सिडीज फॉर हायर एजुकेशन की बात करेंगे, तो हायर एजुकेशन जो है टॉपिक वो आपका GS1 से लेके GS3 तीनों में आ सकता है. GS1, GS2, GS3 में तीनों अलग अलग टॉपिक्स में रिलेट हो सकता है. बट अगर सब्सिडीज की बात करें, एजुकेशनल सब्सिडीज की बात करें, तो GS2 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा. इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्रिटिक आज मैं पूरी तरीके से आपको बता दूंगा कि क्या उनके क्रिटिक्स हैं, क्या क्या उनमें फॉल्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं. देन UGC और AICTE की बात करेंगे, ये तो आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर आएगा, GS2 का टॉपिक रहेगा. श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे और NBFCs यानी कि GS3 NBFC की बात करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द न्यूज एनालिसिस. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज सॉलिसिटर जनरल. अब ये जो न्यूज है बेसिकली, पहले न्यूज बता देता हूँ. एड्रेस एवरी क्वेश्चन ऑन कर्व्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्वेश्चन आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं, जितने भी सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि आपने वहाँ पे किस तरीके से लोगों का कम्युनिकेशन बंद कर दिया, लोगों का मूवमेंट बंद कर दिया, देन आपने डिटेंशन में रखा लोगों को, तो आपको सारे उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जो थे वो आंसरिंग, वहाँ पे तुषार मेहता हैं करेंटली, जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता हैं, तो उनके आंसर्स आ रहे थे. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, जैसे कि देर हैज़ बीन नो लाइफ लॉस ड्यू टू पुलिस फायरिंग आफ्टर August 5. सेक्शन 144 CRPC की बात करें तो सेक्शन 144 क्या होता है कि जो असेंबली होती है चार से ज़्यादा लोगों की, चार पांच लोगों की जो असेंबली होती है उसको मना करता है सेक्शन 144 CRPC का. और उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स थे वो 802 थे, इस साल केवल 544 इंसिडेंट्स हुए, तो उसमें कमी आई है. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं.
सॉलिसिटर जनरल के बारे में बता देता हूँ। सॉलिसिटर जनरल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, याद रखें सबसे बड़ी चीज जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा वो पूछेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये याद रखना सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज कि अटॉर्नी जनरल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो यस अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबॉर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल, सबॉर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल का, एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, याद रखेगा है ना। एंड जो सॉलिसिटर जनरल है, द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल इट इज एडिशनल टू दैट, मतलब ये स्टैट्यूटरी नेचर की है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो मतलब स्टैट्यूटरी नेचर की है, और ये सबॉर्डिनेट होता है आपके अटॉर्नी जनरल के, ओके अटॉर्नी जनरल के सबॉर्डिनेट आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये नहीं है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत केवल अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है, अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। दिस वॉज अबाउट सॉलिसिटर जनरल। जो हम बात करेंगे फारूक प्रज्ञा इन पार्लियामेंट डिफेंस कंसल्टेटिव पैनल, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करेंगे। तो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था जिसके बाद अलग अलग स्टेट्स ने भी जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था, तो क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करते हैं जिसके तहत बहुत लोगों को डिटेंशन में रखा गया। तो ये पूरा मैं आपको इशू बता देता हूँ कि किस एक्ट के थ्रू लोगों को वहाँ पे डिटेंशन में रखा था, तो वो था पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ओके। अब ये जो पास हुआ था जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर का एसेंट मिला था 8 अप्रैल 1978 को, 1978 8 अप्रैल को ये पास हुआ था। पहले जब ये पास हुआ था देन एट दैट टाइम इट वाज पास्ड टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ टिम्बर, स्मगलिंग ऑफ टिम्बर और स्मगलर्स को रोकने के लिए इसको बनाया गया था बेसिकली, ओके। बट बाद में से बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे द लॉ अलाउज द गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। सबसे बड़ा बात तो ये है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट कैन डिटेन एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट चाहे तो गिरफ्तार करके रख सकती है विदाउट ट्रायल, ओके दे कैन डिटेन एनीवन। देन पीएसए अलाउज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फॉर अप टू 2 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल और टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब किसी व्यक्ति का अगर लगता है कि स्टेट की सिक्योरिटी के प्रति वो खतरा साबित हो सकता है तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में उसको 2 सालों तक के लिए रखा जा सकता है। यही हुआ था फारूक अब्दुल्ला के साथ, जो अभी हुआ था रिसेंटली महबूबा मुफ्ती के साथ हुआ था, उनको डिटेंशन नज़रबंद कर दिया गया था, है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जो था वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत किया गया था, ओके दैट इज द थिंग। डिटेंशन ऑर्डर कौन निकाल सकता है, डिटेंशन ऑर्डर अंडर पीएसए कैन बी इशूड बाय डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिविजनल कमिश्नर चाहे तो ये ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये हमने बात कर ली पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात कर ली, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, जैसे सपोज जम्मू कश्मीर के डिटेंशन के ऊपर पूछता, तो वहां पर आप ये सारी चीज जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये सारी चीजें टेक्निकलिटीज को इंट्रोड्यूस करते हो अपने आंसर में, तो जरूर आपको इसका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। और आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे बेगरी लॉ के ऊपर, दैट इज एन अमेजिंग आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत अच्छी चीजें उसमें हम सीखने को मिलेंगे, तो जो आंसू ला देने वाले आर्टिकल होते हैं ना, तो वैसा आर्टिकल है बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एवियन बॉटुलिज्म रीजन फॉर बर्ड डेथ्स, तो अगर अभी हम बात करें सांभर लेक का, तो सांभर लेक में नियरली 18,000 कैराकासेस फाउंड हुए थे बर्ड्स के, 18,000 कैराकासेस ऑफ बर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सांभर लेक। सांभर लेक अगर बात करें सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान स्टेट में, ये लाई करती है, ओके राजस्थान का जितना भी सॉल्ट प्रोडक्शन होता है वो सांभर लेक के थ्रू ही होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एवियन बॉटुलिज्म की बात कर लेते हैं, व्हाट इज दिस एवियन बॉटुलिज्म, सो इट इज अ न्यूरोमस्कुलर इलनेस, न्यूरोमस्कुलर इलनेस होती है, और ये होती है एक बैक्टीरिया के कारण, एक टॉक्सिक डिसीज़ है टॉक्सिन के कारण होती है, और एक बैक्टीरिया भी रहता है जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, तो ये भी आप लिख लीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम इसका बैक्टीरिया है, और ये टॉक्सिन के कारण होती है, कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल स्ट्रेन। बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ओके। एंड इससे क्या है, बर्ड्स की मोर्टैलिटी बढ़ गई, बर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है इससे, रुको लेट मी टेल यू दैट इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का नर्वस सिस्टम ये अफेक्ट करता है, जो एवियन बॉटुलिज्म होता है बर्ड्स का नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, जिसके कारण उनको फ्लैसिड पैरालिसिस होता है उनके लेग्स में और विंग्स में, पैरालिसिस होता है कहाँ पे, लेग्स में एंड विंग्स में, एंड इस कारण से फिर उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम बैक्टीरिया, उसके बाद टॉक्सिन रिलीज होता है
जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है लेग्स में एंड विंग्स में, एंड उसके बाद जो होता है ये बर्ड्स की डेथ होती है। तो ये याद रखेगा। सांभर लेक के बारे में बताऊँ, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। बोल शेप लेक इज इन जयपुर, बोल शेप की लेक है, जयपुर में है, एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट एज वेल। रामसर साइट भी है। रामसर क्या है? रामसर बेसिकली आपका वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, ईरान में ये जगह है, रामसर कन्वेंशन हुआ था जो कि वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए है। तो उसमें अलग अलग साइट्स थी, तो इंडिया में लगभग 26 साइट्स थी जिनको कि रामसर के अंदर डाला गया था ना, एंड उनमें से एक थी आपकी क्या, सांभर लेक भी है। इसके साथ एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी रहता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया की दो साइट्स हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया की दो कौन सी साइट्स हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आंसर करिएगा जरूर कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन सी दो साइट्स हैं। ओके, सो एवियन बॉटलिज्म की बात हमने कर ली, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एजिटेशंस ओवर शुगर केन एफआरपी टेक्स हॉस्टाइल टर्न। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शुगर केन के जो एमएसपी है, एमएसपी ऑफ शुगर केन इज नोन एज एफआरपी, ये आपको मैंने बताया था ना, वही चीज़ है, फिर से याद कर लो कि एमएसपी जो शुगर केन की होती है उसको क्या बोलते हैं, एफआरपी, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं। तो ये न्यूज़ वैसे मैंने बताई हुई है, फिर से बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि एफआरपी क्या होता है, तो एफआरपी वो मिनिमम प्राइस होता है, इट इज़ द मिनिमम प्राइस, इट इज़ दैट मिनिमम प्राइस एट विच शुगर मिल्स परचेज शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स। जो शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जिस मिनिमम दाम पे शुगर मिल्स शुगर केन को खरीदती हैं, दैट इज नोन एज द एफआरपी और फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइजेज। अगर पूछे कि कौन सी बॉडी है जो कि ये आपका एफआरपी को सजेस्ट करती है, तो CACP इज द बॉडी विच गिव्स दिस एफआरपी रिकमेंडेशन। CACP का फुल फॉर्म क्या है, यू विल टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, CACP का फुल फॉर्म क्या है जरूर बताएगा, बट एफआरपी अगर कोई पूछे तो इट इज द एमएसपी गिवन फॉर शुगर केन, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर शुगर केन इज नोन एज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। CACP के रिकमेंडेशन पे ये दिया जाता है, और आपका किस मिनिमम प्राइस पे शुगर मिल से शुगर केन खरीदा जाएगा वो कहलाएगा आपका एफआरपी। तो याद रखिएगा इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं एंड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, देखो ये फोटोग्राफ के नीचे तो क्या लिखा है, जलाजपम। व्हाट इज दिस जलाजपम? इट इज द पार्ट ऑफ मुराजपम रिचुअल दैट इज हेल्ड वन इन एवरी सिक्स ईयर्स। हर छह साल में एक बार एक रिचुअल होता है मुराजपम। ओके, सो उसका पार्ट है ये जलाजपम। ओके, ये याद रखेगा। एंड ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये तिरुवनंतपुरम में होता है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पास। ओके, पद्म तीर्थम नाम का पौंड है वहाँ पे, उसके बैंक में होता है, पद्म तीर्थम नाम के पौंड के बैंक में होता है। और टेम्पल कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, जो कि कहाँ पर है, आपका तिरुवनंतपुरम में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जपम, देखो जप क्या होता है, जप तप नहीं सुने हो, जप और तप आपने सुना होगा, तो जप वही है। जपम इज द सेरिमोनियल चैंटिंग ऑफ द वेदास। वेदास की जो सेरिमोनियल चैंटिंग होती है ना, सेरिमोनियम, उसको आप क्या बोलते हैं, जपम बोलते हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आप याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कार्टोसैट 3 की बात चले, तो कार्टोसैट 3 आपको मैंने भी रिसेंटली बताया था कि इंडिया लॉन्च करने वाला है कार्टोसैट 3 PSLV C-47 के थ्रू। PSLV C-47 से ये लॉन्च होने वाला है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, बस इसको 2 दिन डिले कर दिया है। एंड कार्टोसैट 3 का अगर आपसे पूछे कि क्या है कार्टोसैट 3, इट्स अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। इट इज़ अर्थ इमेजिंग एंड ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, मतलब कि अर्थ की अलग अलग इमेजेस से ऑब्जर्व करेगी ये क्या है। और इसको रखा जाएगा कहाँ पे, इसको पोलर ऑर्बिट में रखा जाएगा। देखो दो ऑर्बिट होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है। एक आपका पोलर ऑर्बिट होता है जो 500 से 800 किलोमीटर पे होता है। तो ये जो सैटेलाइट कार्टोसैट 3 है ये 509 किलोमीटर पे रहेगी, यानी कि ये पोलर सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट पे रहेगी। ओके, ये याद रखिएगा। एक स्पेशल एक जो जहां से लॉन्च होता है वो होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहां पर है ये, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में ये है। दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा ये जो टॉपिक है GS3 अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आ सकता है। इसरो की मैं बात करूँ, इसरो मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पहले इंसेप्शन किया था 1962 में इनको स्पार जिसको बोलते हैं इनको स्पार। फिर 1969 में ये कन्वर्ट हुआ था इसरो में। तो 1969 में बेसिकली इसरो बना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की करा भाई भारत की इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में आते हैं तो एक्सपीडियंट
एग्जिट नाउ एक्सपीडियंट एग्जिट जो ये आर्टिकल है ये डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखा गया है, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि BPCL, कॉनकोर यानी कि जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इस तरीके के जो अलग अलग शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन PSUs के शेयर्स गवर्नमेंट सेल कर रही है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो शेयर गवर्नमेंट सेल करती है वो प्रोसेस कहलाती है द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की। ओके, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कहते हैं। तो आज मैं सबसे बड़ा सवाल जो है कि वाई डिसइन्वेस्टमेंट, क्यों किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, उसका उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। द फर्स्ट रीजन इज दैट गवर्नमेंट, व्हेन गवर्नमेंट फेसेस द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कब फेस करती है, जब गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है, व्हेन गवर्नमेंट हैज टू बोरो एक्स्ट्रा मनी, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, जब बाहर के सोर्सेज से गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ता है, तो वो फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन होती है। मतलब आपको जितना खर्चा था आपके पास उतना अवेलेबल क्रेडिट नहीं है, मतलब योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, तब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी कि फिस्कल गैप होता है। तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ओवर इट, दूसरा जो रीजन है फिस्कल डिसइन्वेस्टमेंट करने का वो ये है कि गवर्नमेंट जब अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करना चाहती है। अब गवर्नमेंट क्यों अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करना चाहती है, क्योंकि ये जो PSUs होते हैं ये कभी कभी इनएफिशियंट हो जाते हैं। जब ये इनएफिशियंट हो जाते हैं और इनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उस कारण से होता क्या है, गवर्नमेंट को बार बार इनको फंड देना पड़ता है, कि जैसे अगर ये डूब रही कंपनी तो गवर्नमेंट इनको फंड देकर इनको सपोर्ट करेगी। तो कितनी बार वो फंड देगी, कितनी बार वो सपोर्ट करेगी, तो बेसिकली बार बार जो होता है इसको, इसका एक टर्म प्रॉपर है, मैं इसको उस टर्म का नाम बताता हूँ, उसको बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स, एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स, दिस इज द टर्म विच इज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप यूज करेंगे अगर आंसर राइटिंग में, अगर आप यूज करें इसको, एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स की जो प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट बार बार रिप्लेनिश करती है डूबती हुई फर्म्स को बचाने के लिए, डूबती हुई PSUs को, डूबते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट बार बार उनको पैसा देती है, उसको बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ें प्रॉब्लम है उससे दूर करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट का स्टेप उठाती है। तीसरा जो स्टेप है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि गवर्नमेंट कुछ फंड रेज कर लेगी। अब जैसे मान लो डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो 1,00,000 करोड़ या 2,00,000 करोड़ समथिंग इतना पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, तो उससे गवर्नमेंट का जो फंड रेजिंग होगा और फिस्कल गैप जो होगा वो कम हो जाएगा। फोर्थ ये कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो इनएफिशिएंट बिजनेस है उनसे बाहर निकला जाए, यानी कि जैसे इनएफिशिएंट PSUs है, BPCL है सपोज, अगर इनएफिशिएंट PSU है तो उसको खत्म करने का भी एक तरीका यही है कि आप उसको सेल कर दो, उसको दूसरे के हाथों चढ़ा दो, है ना। लेकिन इंडिया के केस में अभी जो ये वाला डिसइन्वेस्टमेंट है, इसका रीज़न गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है कि वो इस तरह का इतना मैसिव स्केल में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसीलिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रीज़न दैन अ इकोनॉमिक रीज़न, ज़्यादा इसको पॉलिटिकल रीज़न बोला जा रहा है इंस्टेड ऑफ बींग अ इकोनॉमिकल रीज़न। कुछ और ग्रे एरियाज हैं, जैसे कि ये नहीं क्लियर है कि हाउ द बिडिंग प्रोसेस विल स्टार्ट, जैसे अगर गवर्नमेंट ये शेयर किसी को बेचेगी तो कोई खरीदेगा भी, तो वो बिडिंग प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगी, कितनी ट्रांसपेरेंट होगा वो मैकेनिज्म, ये चीजें अभी भी ग्रे एरियाज में है, क्लियर नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस डिसइन्वेस्टमेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते थे एंड गवर्नमेंट ने क्या बताया क्या नहीं बताया, बाकी चीजें आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू क्लियर। अ ब्लो अगेंस्ट प्यूनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत ज्यादा अच्छा आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में जो बात की गई है सबसे पहले वो बेगरी लॉ की बात की गई है। बेगरी लॉ की अगर हम बात करें तो एक्चुअली वो इनैक्ट हुआ था 1958 में, फोर्स में आया था 1959 में इन बॉम्बे। ओके, सबसे पहली बात याद रखेगा ये बॉम्बे में आया था 1958 से 59 में, 59 एग्जैक्टली अगर ईयर मैं बोलूँ तो 59 है, हिंदू में जो आर्टिकल है वो तो 58 लिखा है, मगर आप बेगरी लॉ जो बेसिकली फॉर्म हुआ था वो 1959 में हुआ था, एक्ट जब बना था ये। ओके, तो ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। अब बेसिकली ये बाद में धीरे धीरे हर स्टेट हर टेरिटरी में फैलता गया, इसको ड्रैकोनियन बेगरी लॉ बोला जाता है। ड्रैकोनियन बेगरी लॉ क्यों बोला जाता है, लेट मी टेल यू, बिकॉज इट क्रिमिनलाइजेस द एक्ट ऑफ बेगिंग, इट क्रिमिनलाइजेस द एक्ट ऑफ बेगिंग। ओके, इसको बोलता है बेगिंग प्रिवेंशन ऑफ, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा बेगिंग, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। नाउ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी इसको 1960 में लाया, जम्मू कश्मीर में भी आया 1960 में। ओके, एंड अभी ये रिसेंटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये बेगरी लॉ था या बेगरी एक्ट है इसको उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब कि पहले वो क्रिमिनलाइज था,
अब उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया. दिस इज व्हाट द जम्मू हाई कोर्ट हैज गिवन द वर्डिक्ट रिगार्डिंग दैट. जम्मू हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, इसको डीक्रिमिनलाइज किया है. अब हम बात करते हैं क्रिटिक की, बेगरी लॉ की क्रिटिक की. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका बेगरी लॉ था, बेगरी लॉ मैंने आपको बता दिया ना, बेगरी लॉ क्या था कि ऐसे लोगों को जो लोग इस तरीके से आर्म्स रिसीव करते हैं एंड जो बेसिकली ऐसी वॉन्डरर कम्युनिटीज़ हैं जो घूम घूम के इस तरह से पैसा मांग मांग के अपना गुजारा कर रही हैं, तो ऐसे कम्युनिटीज़ को भी बेगरी लॉ के अंतर्गत मतलब उस बेगिंग की कैटेगरी में रखा गया था. और इस एक्ट को उन्होंने क्रिमिनलाइज किया था. क्यों क्रिमिनलाइज किया था? क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो ये चीज़ें हैं, जो इस तरह से लोग भीख मांगते हैं, आर्म्स मांगते हैं, ये पहली चीज़ तो ये सोसाइटी के पीस के लिए अगेंस्ट है, ये सोसाइटी के पीस को बढ़ावा नहीं देते हैं. दूसरा जो रीज़न उन्होंने दिया था इसको क्रिमिनलाइज करने का, ये था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देते हैं, ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये रीज़न था. और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि ये चीज़ करके वो उनको अच्छा सिटीजन, गुड सिटीजन बनाना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू मेक देम गुड सिटीजन. बिल्कुल ये पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए. पहले तो वो रीजंस क्या थे बेगरी लॉ के लाने के, ठीक है, क्वेश्चन कर करके समझोगे. पहला क्या रीजंस थे? पहला रीज़न था कि सोसाइटी के पीस के अगेंस्ट है ये लोग, और इनको अगर हम क्रिमिनलाइज करेंगे तो सोसाइटी में पीस बढ़ेगा. दूसरा रीज़न, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, तो इस कारण से भी इनको क्रिमिनलाइज करना जरूरी है. थर्ड है कि इफ़ दे आर क्रिमिनलाइजिंग दिस एक्टिविटी देन दे आर प्रमोटिंग गुड सिटीजनशिप. ओके, गुड सिटीजन्स को प्रमोट करेंगे. तो ये रीजंस थे गवर्नमेंट द्वारा. अब हम बात करते हैं क्रिटिक की, जो बेगरी लॉ का है. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे वही पॉइंट बताऊंगा बेसिकली जो वहाँ पे हाई कोर्ट में दिए. बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट हैं. पहला जो पॉइंट है वो जो हाई कोर्ट ने कहा उसमें ये कहा कि एक्चुअली दिस एक्ट इज नॉट क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑफ बेगरी. सबसे पहली बात कि इस एक्ट में जो क्रिमिनलाइज्ड हो रही है चीज़, वो एक्ट ऑफ बेगरी नहीं है, वो आदमी है जो कि वो उस एक्ट में इन्वॉल्व है. तो गवर्नमेंट, जो हाई कोर्ट का कहना था वो ये कहना था कि आप इसमें बेगरी एक्ट को नहीं क्रिमिनलाइज कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को क्रिमिनलाइज कर रहे हो जो कि उस चीज़ में इन्वॉल्व है. ओके, तो ये जो चीज़ है कि वो व्यक्ति उस कंडीशन तक कैसे पहुंचा है, आप बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कैसे उसको क्रिमिनलाइज कर सकते हो सकते उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको ये चीज़ करे बिना वो सर्वाइव ही ना कर पाए. तो हाई कोर्ट का यही रीज़न था कि यू आर नॉट क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑफ बेगरी, रादर यू आर क्रिमिनलाइजिंग द बेगर हिमसेल्फ. मतलब आप उस व्यक्ति को ही उसकी बिना कुछ उसको समझे, उसकी पॉवर्टी की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपने ऐसा चीज़ किया था. ओके, सो यू डू नॉट वॉन्ट टू क्लींस द स्पेसेस ऑफ, मतलब आप उन लोगों को गरीबी नहीं हटा रहे हो, आप गरीब को ही हटाना चाहते हो. बेसिकली वो रीज़न हाई कोर्ट ने दिया कि यू आर नॉट रिमूविंग द एक्ट ऑफ पॉवर्टी, यू आर रिमूविंग द पुअर हिमसेल्फ. ओके, दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में सबसे पहले जो बेगिंग क्रिमिनलाइज हुई थी वो 1920 में हुई थी. द फर्स्ट टाइम बेगिंग वॉज क्रिमिनलाइज इन इंडिया इज वॉज 1920 एंड ये एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन था. कॉलोनियल लेजिस्लेशन के तहत ऐसा किया गया था. तो हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ये बेगिंग है, होमलेसनेस है, द बेगिंग होमलेसनेस जो है ये क्रॉनिक पॉवर्टी का रिजल्ट है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी. होता क्या है कि जो लोग इस तरह की क्रॉनिक पॉवर्टी में फंस जाते हैं वो सोशल नेट के बाहर चले जाते हैं. सोशल नेट के बाहर चले जाते हैं मतलब कि जो नॉर्मल रूटीन लोग होते हैं जो नौकरी करके इस तरह से कमाते खाते हैं, उन सोशल नेट से ये बाहर हो जाते हैं. देयर फोर दे गेट इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगरी. तो जो रीज़न है वो है क्रॉनिक पॉवर्टी का, है ना. तो आप उस व्यक्ति को कैसे क्रिमिनलाइज कर सकते हो जो कि उस एक्ट में बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स इन्वॉल्व हुआ है. तो ये जो हाई कोर्ट ने दूसरा रीज़न दिया है वो ये दिया है. थर्ड है कि बेगिंग के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोला हाई कोर्ट ने. उन्होंने ये बोला कि जो वर्ल्ड व्यू है, मतलब जो दूसरे लोगों की सोच है, वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने कारण गरीब होते हैं. मतलब कि वो मेहनत नहीं करना चाहते या वो मेहनत करके नहीं खाना चाहते. ये आप और हम में भी बहुत लोगों में होगा जो हमारे दिमाग में रहता है कि अरे ये मेहनत करके नहीं खा सकता इसके लिए ये भीख मांग रहा है ना. बट हाई कोर्ट ने एक चीज़ ये बोली कि हेयर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर पुटिंग द ब्लेम ऑन दैट बेगर इंस्टेड ऑफ ऑन द गवर्नमेंट. तो हो सकता है गवर्नमेंट की भी गलती हो कि वो उनको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या उनको सही तरीके से सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं या उनको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मनरेगा जैसी स्कीम्स में या ये सब चीज़ों में. तो उन्होंने ये बोला है कि एक्चुअली इट इज़ द फेलिंग ऑफ द स्टेट एंड नॉट दैट पर्सन. तो हाई कोर्ट ने बोला कि उस व्यक्ति का फेलियर नहीं है, ये उस स्टेट का फेलियर है जो कि वहाँ पर इन्वॉल्व है. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे यहाँ पे.
इसके बाद हाई कोर्ट ने एक और रीजन ये दिया है कि ये फंडामेंटल राइट है कि आप यू हैव अ राइट टू सर्वाइव, यू हैव अ राइट टू हैव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, यू हैव अ लाइफ ऑफ यू हैव फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अगर ये करते हो तो ये गलत नहीं है। दूसरी चीज़, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके तहत आप कुछ भी मतलब बोल सकते हो, अगर वो वायलेंस का एक्ट नहीं है तो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो। तो बैगिंग जो है इस कारण से भी यहाँ पे उन्होंने इसको मतलब डिक्रिमिनलाइज किया। एक और रीज़न उन्होंने ये दिया कि ये बहुत वेग है जो गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट जो ये कहती रहती है कि हम गुड सिटीजन्स बनाएंगे, अगर हम बेगिंग को क्रिमिनलाइज करेंगे तो हम गुड सिटीजन्स बनाएंगे। अब देखो, आप ये चीज़ नहीं समझते हो कि आप किस तरीके से गुड सिटीजन बनाओगे उनको सज़ा दे करके। गरीबों को अगर आप सज़ा दोगे तो क्या लॉजिक है आपका ये बोलने का कि वो अच्छे सिटीजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो इट वॉज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। ओके, इसके बाद एक और बताता हूँ, एक बहुत अच्छा और पॉइंट उन्होंने ये दिया कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि गुजर्स हो गए, बकरवाल्स हो गए, तो उनका नेचर ही है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हैविंग एनी कन्वेंशनल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब कि वो नौकरी नहीं करते, उस तरह से घूम के ही अपना गुजारा करते हैं। तब तो वो भी आपको इसी कैटेगरी में आ जाएंगे और आप उनको भी क्रिमिनलाइज कर दोगे। तो कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं जिनका बाय नेचर ये चीज़ है, आप उनको भी क्रिमिनलाइज कर दोगे, हाई कोर्ट का ये भी कहना था। एंड दीज वर द रीजंस गिवन बाय द हाई कोर्ट टू डिक्रिमिनलाइज दिस एक्ट ऑफ बेगरी लॉ को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज इसीलिए किया। आई होप आई हैव बीन क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। बाकी के दो आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, राजपक्षा का आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ये लेबनान और इराक की पॉलिटिक्स है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। शुड वी डू अवे विद द सब्सिडीज ऑफ हायर एजुकेशन, ये इंटरव्यू था, बेसिकली कोई आर्टिकल नहीं है ना ही ये ऑपेड है, ये इंटरव्यू था, उसके जिस्ट मैं निकाल लिया हूं, तो मैं आपको वो जिस्ट बता देता हूं। बेसिकली सबसे पहली बात, यहां पे पॉइंट्स एक साथ इन्होंने ही दे दिए कि सब्सिडी इन एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपके करने से बहुत सारी दूसरी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है, कोई एक चीज़ करने से अगर बहुत सारी दूसरी चीज़ अनरिलेटेड चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन में सब्सिडी देते हैं, मतलब कि अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो लोगों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनको बैलेंस डाइट के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है। दूसरा, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कमी आती है, पॉवर्टी में कमी आती है, क्राइम में कमी आती है, एंड डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, या बिल्कुल आंसर में मेंशन कर सकते हैं, जब भी GS2 का आंसर आएगा, GS3 का आएगा, एजुकेशन के ऊपर कभी ऐसे आ जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखने के लिए, तो वहां पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन में सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बनाता है, जैसे कि हेल्थ इंप्रूव होती है, उससे पॉवर्टी रिडक्शन होता है, क्राइम कम होता है, देन आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रुकती है, आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, एंड डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। तो ये पॉइंट्स हो गए। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो श्याम मेनन है, श्याम मेनन ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो अमीर लोग हैं यानी कि जो रिच क्लास है, अपर क्लास है, वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकती है, बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर को पाल नहीं पा रहा है, पोस नहीं पा रहा है, इस तरह की चीज़ नहीं कर पा रहा है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? तो सोशल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए भी ये सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिड्यूस द सोशल इनइक्वालिटी। या फिर इसी बात को मैं तीसरे पॉइंट में घुमा के बोलूँ तो थर्ड पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, टू इंक्रीज द इगैलिटेरियन सोसाइटी, टू हैव अ इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी अगर चाहिए आपको तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, अगर आपको इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी तो आपको सब्सिडी देनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं। एक्सटर्नैलिटी वाला पॉइंट तो आप याद ही रखना। ओके, सो दैट इज अनदर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। एक और चीज़ है कि इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो इंक्लूसिव है एंड इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी वहाँ पढ़ सकता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब पढ़ सकता है, तो वो जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। तो ऐसे के लिए भी आपको सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है विच वॉज देयर। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। एंड ये आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब एक पैराग्राफ में आपको बताऊंगा ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पैराग्राफ आपको यूज़ करना है ऐसे राइटिंग में।
कभी भी अगर आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना हो, या डेमोक्रेसी से रिलेटेड, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना हो, या फिर आपको कोई जीएस का आंसर लिखना जिसमें पार्लियामेंट के बारे में आप लिख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट दिस पैराग्राफ। बस मैं ये पैराग्राफ बोलूँगा, आप इसको नोट कर लेना, लिख लेना। पार्लियामेंट इज़ द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द अबोड ऑफ लॉ मेकिंग, द सीन ऑफ डिबेट, द थिएटर ऑफ ग्लैडिटोरियल फेस ऑफ्स, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स। पार्लियामेंट के बारे में इससे अच्छा पैराग्राफ आपको नहीं मिलेगा। इट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द अबोड ऑफ लॉ मेकिंग, द सीन ऑफ डिबेट, द थिएटर ऑफ ग्लैडिएटोरियल फेस ऑफ्स, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स। तो दिस वॉज द पैराग्राफ विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पैराग्राफ लगा मुझे। और आप जी एस टू में इसको यूज़ कर सकते हैं, जी एस आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ें आएंगी। बीजेपी जस्टिफाइज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने कई बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जो आपकी कंडीशन थी कि मिनिमम 1% वोट्स मिलने चाहिए, वो भी गलत कंडीशन है। कम से कम 6% का रखो या बिल्कुल मत रखो, ये ऐसा चीज़ उन्होंने बोला। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आज हम उनका क्रिटिक देखेंगे आपको। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी दूंगा, आप कोशिश करना उसको लिखने की कोशिश करना आफ्टर आई टेल यू द आंसर। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ है जिनके थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फंडिंग की जाती है। एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है ना। फीचर क्या है कि दे विल बी इशूड बाय नोटिफाइड बैंक्स। अब वो नोटिफाइड बैंक कौन सा है? SBI इंडिया के केस में, ठीक है। फिर डोनर जो है वो जाके खरीदेगा, जाके खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा? आपका बैंक से, जो रजिस्टर्ड बैंक है वहाँ से खरीदेगा। फिर 15 दिनों के अंदर वो जो ये जो डोनर है वो शैल बी परमिटेड टू बाय द बॉन्ड, वो बाय करेगा। उसके बाद वो जाके वहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग के लिए उसको डोनेट करेगा, ओके। वो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए उसको डोनेट करेगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देन पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसको इनकैश करेगी इनटू द अकाउंट जो रजिस्टर्ड होगा इलेक्शन कमीशन के साथ। तो एक ऐसा अकाउंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होता है, उसी अकाउंट में जाके वो इनकैश कर सकते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, ओके। कुछ कंसर्न्स, अब हम क्रिटिक की बात करते हैं। व्हाट इज द क्रिटिक ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या बुरा है? सबसे पहली चीज़ एनोनिमिटी। मैंने कई बार बताया एनोनिमिटी है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये बियरर बॉन्ड होता है, जैसे एक्स करके कोई बंदा है जिसने कि ये बॉन्ड खरीदा, बट डोनेशन जो है हो सकता है ए कर रहा हो, क्योंकि एक्स ने वाई को बेचा हो, वाई ने जेड को बेचा हो, जेड ने सी को बेचा हो, सी ने ए को बेचा हो, और फाइनली ए जाके डोनेशन कर रहा है। तो डोनेशन ए कर रहा है, बट नाम किसका पता रहेगा? केवल एक्स का पता रहेगा, क्योंकि ही हैज परचेज्ड इट फ्रॉम द फर्स्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है जो डोनेशन कर रहा हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज करता है। अगर कोई चीज़ एनोनिमिटी को बढ़ाती है तो ट्रांसपेरेंसी को क्या करती है? डिक्रीज करती है। तीसरा है कि जो इट गिव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर बिकमिंग अ चैनल ऑफ ब्लैक मनी। अगर एनोनिमिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर रही है, तो हो सकता है कि पैसे को राउंड ट्रिप करके इस तरीके से ब्लैक मनी को चैनलाइज करके इंडिया में लाया जाए इन द पॉलिटिकल फंडिंग फॉर्म, ओके, पॉलिटिकल फंडिंग के फॉर्म में लाया जाए। अब देखो कैसे कैसे किया जाता है। अभी कुछ चीज़ें और की गई इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया, जैसे कि पहले क्या था कि 7.5% की कैप थी, मतलब कि 7.5% से ज़्यादा जो है कॉरपोरेट्स अपने टोटल उसके 7.5% ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकते हैं। बट जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो 7.5% की जो कैप थी वो रिमूव कर दी गई। द 7.5% कैप ऑन द कॉरपोरेट इज रिमूव्ड, तो कॉरपोरेट चाहे तो कितना भी डोनेशन कर सकते हैं। दूसरा ये था कि पहले जो कंपनीज थी, दे नीड टू रिवील देयर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पहले उनको अपना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रिवील करना पड़ता था कि वो कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बट वो नीड भी रिमूव कर दी गई। तो पॉलिटिकल कितना फंडिंग आप कर रहे हो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी यूज़ वो मिसयूज़ कर सकते हैं और चैनलाइज कर सकते हैं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द हार्ड कोर जो आपका क्रिटिक पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल क्रिटिक पॉइंट्स हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राउंड ट्रिप करके मतलब आप ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं, ओके। राउंड ट्रिपिंग करके आप अपना पैसा, अपने पैसे को वाइट कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस इसमें आ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा सकती है। एक और इशू ये है कि 20,000 से ऊपर के तो आपको रिवील करने की जरूरत है, बट 20,000 से कम के में क्या हो? 20,000 से कम में आपको रिवील करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर गुड मेजर्स टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग, बट द मेजर्स इटसेल्फ सफर फ्रॉम सर्टेन प्राइवेसी इशूज। कमेंट
क्वेश्चन नंबर थ्री मैं आपको देता हूँ, हाउ इफेक्टिव डू यू थिंक द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी इन क्लींजिंग द पॉलिटिक्स डिस्कस। ये तीसरा आंसर जरूर आप करने की कोशिश करेगा, हाउ इफेक्टिव डू यू थिंक द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी इन क्लींजिंग द पॉलिटिक्स डिस्कस। तो ये आप जरूर मुझे बताइएगा आंसर इसका करने की कोशिश करेगा। UGC एंड AICTE मर्जर नॉट डिसाइडेड येट। ओके, तो अभी एक बिल आ रहा था जिसमें UGC और AICTE के मर्जर की बात चल रही थी और उसको बना करके एक नई बॉडी बनाई जाएगी, तो उसकी बात चल रही है। बट हम पहले UGC देख लेते हैं क्या है। UGC बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। GS2 का टॉपिक है स्टेट्यूटरी बॉडीज जो आती हैं उसमें। तो स्टेट्यूटरी बॉडीज में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब बना था, 1956 में एक्ट के थ्रू बना था। एक्चुअली में अगर हम देखें कि इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी थी। देयर वाज अ कमीशन फॉर्म्ड नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था UGC का। फिर अबुल कलाम आज़ाद ने 1953 में पहला इसको बनाया और फाइनली 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये स्टैट्यूटरी इसको पावर मिली। तो 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया। क्या क्या पावर्स है इसकी आप सबको पता है। पावर की बेसिकली डिटरमाइन करता है क्या स्टैंडर्ड्स होंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, एंड इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। एक तरीके से यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देता है। देन इट डिसबर्सेस द फंड्स टू द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, डिसबर्स करता है फंड्स को इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ओके, ये आपका UGC हो गया। AICTE की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट्यूटरी बॉडी ही है, नेशनल लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है उसके अंदर ये काम करता है। बना कब था ये, 1945 में पहली बार बना था एज एन एडवाइजरी बॉडी, और 1987 में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो 1987 में इसको फाइनली स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया, लेकिन 1945 में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ये बेसिकली प्लानिंग का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है इन द टेक्निकल एजुकेशन सेक्शन, जो आपका जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रहे होंगे तो वो सब जो है AICTE के अंतर्गत ही कोऑर्डिनेट और मैनेज होते हैं। तो AICTE बेसिकली उनको एक्रीडिशन देने का काम भी करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द UGC एंड AICTE। महिंद्रा राजपक्षे स्वॉर्न इन एज द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। बस फैक्ट की तरह आप याद रख लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस समय महिंद्रा राजपक्षे है, और जो प्रेसिडेंट है वो गोताबाया राजपक्षे है। तो दोनों भाई भाई हैं। ओके, चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों बन गए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। अब इंडिया के लिए देखते हैं क्या करते हैं ये, वी विल बी सीइंग दैट। लोन्स वर्थ 2.52 लाख करोड़ डिसबर्स इन अक्टूबर। तो अभी एक रिपोर्ट आई, वैसे हमको मैटर नहीं करता कि कितना लोन दिया गया, ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। यहाँ NBFCs का नाम आया था तो मुझे लगता है कि NBFC के बारे में बताता हूँ। NBFC का बेसिकली मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंस रिलेटेड काम देखती है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग है, मतलब बैंक की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो बैंक जैसा काम तो करती है, बट दे डू नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ बैंक। अब ये अंडर किसके हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत है, कंपनीज एक्ट 1956। UPSC आपसे क्या पूछेगा कि क्या ये RBI एक्ट में है, तो बिल्कुल है। जो बिजनेस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट 1934। तो सेक्शन 45IA जो RBI एक्ट का 1934 का है, उसमें NBFCs का मेंशन किया गया है। NBFCs काम क्या करती हैं, दे डू द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांसेस की बात करते हैं, शेयर्स को लेने की बात करते हैं, स्टॉक्स बॉन्ड डिबेंचर सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट्स, इन सब में वो डील करते हैं, इन सब में भी वो डील करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है ना, मतलब फाइनेंशियल कौन कौन सर्विसेज हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ में काम करते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो डील इन अदर सिक्योरिटीज लाइक मार्केटेबल नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, चिट बिजनेसेस, इन सब में भी वो काम करते हैं। तो NBFCs इनमें भी काम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि 1956 के कंपनीज एक्ट और RBI एक्ट के दोनों के अंदर ये आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि अगर आपसे लिख दे कि RBI एक्ट के अंदर इसका मेंशन नहीं है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us. And answer आज मैंने आपको बता दिया है. And that is it for the day. Thank you and have a nice day.